भैया आप लोगों ने मुझे गलत मौके पकड़ा है, मेरा प्ले शुरू होने वाला है और शुरू में मैं बहुत नर्वस होता हूँ। प्ले के बाद जो भी एक्साइटमेंट या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो प्ले के बाद होती है, उससे पहले 2 घंटे का प्ले है, बहुत सारी लाइनें हैं और बट और क्या है कि ऑडियंस जब 10 दिन पहले शो फुल कर देती है, हाउसफुल हो जाता है, तो और टेंशन हो जाता है कि यार अब तो अच्छा करना ही पड़ेगा। बट ये प्ले अपने आप में एक हमारी उपलब्धि है, बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छा इसको डायरेक्ट किया है, नीना के साथ काम करने का बहुत मज़ा आया और आज मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी शोइंग द प्ले टू देम। सर आपने ट्विटर में कहा था आपके बर्थडे पे आपको बहुत अच्छी एक विश आपकी पूरी हो गई थी, गिफ्ट मिल गया था आपको, इसी प्ले से रिलेटेड उसके बारे में आप कुछ बताइए। नहीं, आमतौर पर लैंडमार्क बर्थडे पर लोग पार्टी वार्टी करते हैं और मुझे लैंडमार्क बर्थडे पर कुछ ऐसा करना था कि जो मुझे इस बात का एहसास कराए कि अभी बहुत साल है मेरे पास ज़िंदगी में काम करने के लिए। तो मैंने अपना एक ध्येय और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया था कि मैं इस प्ले की ओपनिंग 7 मार्च को अपने बर्थडे पे करूँगा और हुई। इस दौरान हमने कुछ 15-20 शो कर चुके हैं, इसका फर्स्ट इंटरनेशनल प्रीमियर भी कर दिया है। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि हम 2 महीने के वर्ल्ड टूर के लिए जा रहे हैं, हम प्ले लेकर 25-30 शोज़ करने हैं, अमेरिका, कनाडा, फिर उसके बाद वापस आकर फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो प्ले की अपनी एक सक्सेस है, इस प्ले की सबसे बड़ी सक्सेस की बात यह है, और ये टचवुड करने की बात बोलता हूँ, कि हमने आज तक इस प्ले की बुकिंग विंडो नहीं खोली है। ये प्ले शो शुरू होने से पहले ही या बुकिंग विंडो खुलने से पहले हो जाता है और थिएटर के इतिहास में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थिएटर से मैं आया हूँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैं पढ़ा लिखा हूँ और थिएटर को जब आप इंसान वापस करता है पैसों के हिसाब से, इज्जत के हिसाब से, तो ये बहुत मन को शांति मिलती है।